अब कोई विपक्ष के नेता जितने भी एमएलएस हो एमपी हो कभी अपॉइंटमेंट नहीं देते सर, मगर असदुद्दीन ओवैसी मोटरसाइकिल लेके घर के अंदर बेडरूम के पास जा सकते हैं, ये स्थिति है तेलंगाना में। तो ये आप करिए जो करना है करो आपको, मगर तेलंगाना में इंशाल्लाह आपकी जमीन आप नहीं पकड़ पाएंगे। बताते हैं आप देखे होंगे असदुद्दीन ओवैसी जी का स्टेटमेंट, सिर्फ केसीआर ड्राइविंग सीट पे बैठे हैं, सरकार का स्टीयरिंग मेरा हाथ में, एक्सीलेटर मेरा हाथ में, ब्रेक मेरा हाथ में, ये दोनों एक ओवैसी सरकार एक कल्लोकुंट्ला सरकार दोनों मिलके तेलंगाना को लौट रहे, ये दो लोगों का राजनीति। अब कोई विपक्ष के नेता हैं, बहुत काम हुए हैं और बहुत होना बाकी है, हम यूं ही आपसे लड़ते रहेंगे, मुसलमानों के मसाइल को हल करवाते रहेंगे और यूं ही हम लड़ते लड़ते आइंदा भी आप ही आएंगे और आपके साथ हम ही आएंगे और रियासत को बंगारू तेलंगाना बनाएंगे। शुक्रिया स्पीकर साहब।